तीन स्थानों पर चोरी की घटनाएं हुई। किसी ने नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया है। कपिल नगर, जरीपटका और यशोधरा नगर थाने में रविवार को प्रकरण दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। नारा रोड स्थित महालक्ष्मी अपार्टमेंट वाई रामटेकी और उसकी पत्नी 10 से 14 नवम्बर 2021 के बीच में जयताला में अपनी बेटी के घर गए हुए थे। इसी दौरान किसी ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया। दो अलमारियों से 30,000 रुपए की नकदी और सोने के आभूषण, ऐसे कुल 2,11,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किया है। दूसरी वारदात कपिल नगर क्षेत्र के प्रबोधन अपार्टमेंट निवासी रजनीश कुमार वर्मा के फ्लैट का भी किसी ने ताला तोड़कर, उसके फ्लैट से भी किसी ने 2,000 रुपए की नकदी और सोने के आभूषण, कुल 1.5 लाख रुपए का माल चोरी किया है। और तीसरी वारदात बिनाकी लेआउट स्थित संजय नगर निवासी पंकज मारुति गजभिये है। 12 नवंबर 2021 को वह किसी कार्य के चलते बाहर गया हुआ था, जहाँ से दूसरे दिन लौटा। इस दौरान किसी ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। अलमारी और बैग से 15,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण, कुल 1.5 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। जांच जारी है। काल रात्री व पहाटेच्या वेळेस कपिलनगर पोलीस स्टेशन छादीमध्ये पॉवर रोड चौक आणि अंगुलीमाल नगर या परिसरामध्ये चार ठिकाणी अज्ञात घरफोड्यांनी घर फोडलेले आहेत। त्यापैकी दोन फ्लॅट मध्ये कोणी राहत नसल्याने त्या ठिकाणी काही चोरीला गेले नाही। दोन ठिकाणी जे फ्लॅट ओनर्स होते, घरमालक होते, ते बाहेरगावी गेले होते। त्यांच्या घरपुडीमध्ये एका ठिकाणावरून 4.5 तोळे सोनं आणि दुसऱ्या एका फ्लॅटमधून 1 तोळे असे 5.5 तोळ्यांच्या दागिन्यांचं काही कॅश रक्कम 2,000-5,000 रुपयाची अशी चोरी झालेली आहे। त्या अनुषंगाने घटनास्थळी मिळून आलेलं फुटेज आणि इतर तांत्रिक तपास करून आरोपींना शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत। त्याचप्रमाणे अशी माहिती मिळाली की त्याच वेळेसच्या आसपास जरीपटका पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये देखील दोन ठिकाणी अशाच प्रकारच्या सेम मोडसने घरफोड्या झालेल्या आहेत। कदाचित दोन्ही प्रकार हे एकाच टोळीने केले असण्याची शक्यता आहे। त्या अनुषंगाने चौकशीने तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।